फिर वो कहता है, देर आर प्रॉब्लम्स, सॉरी हेमलेट, तो उसके अंदर क्या था कि वो म्यूजिंग, म्यूजिंग कहते हैं कि मैन के बारे में म्यूज करना, यानी कि कंटिन्यूस मैन के बारे में, लॉन्ग कंटिन्यूस म्यूजिंग करना, यानी कि मैन के बारे में बोलना, एंड ऑल द स्ट्रेंज फेनोमेना बाय विच ही इज सराउंडिंग, और तमाम वो स्ट्रेंज फेनोमेना जिसमें एक इंसान जो है वो सराउंड हुआ होता है. हेमलेट इज अ पीस विच ओपन्स इंडीड सिंपली एंड एडमायरेबली, एंड देन द रेस्ट इज पजल. देर आर प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड सोल्यूशन, एज मैनी क्रिटिक्स एज मैनी इंटरप्रिटेशन, नो टू एग्री टू वेराइटी. The chemistry of critics have evolved no Hamlet formula. Generally, two main problems involve in Hamlet: the meaning of the play, the character of the play. दो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं जो हैं, जो कि इस ड्रामा के अंदर इन्वॉल्व हुए हुए हैं. दो प्रॉब्लम्स, एक तो पहली बात ये कि मीनिंग ऑफ द प्ले क्या था, और दूसरा कैरेक्टर ऑफ हैमलेट. ये दोनों चीजें जो है ना, ये दो प्रॉब्लम्स थे जो इस पूरे ड्रामा हैमलेट के अंदर इन्वॉल्व थे. द मीनिंग ऑफ द प्ले, हैमलेट इज मिस्टीरियस प्ले ऑन अकाउंट ऑफ डीप मिस्ट्री. द वर्ड स्पिंक्स इज कॉमन इन हैमलेट्स क्रिटिसिज्म. स्पिंक्स जो है वो एक बला को कहते हैं, ठीक है, एक ऐसी बला जो कि इंसान को खा जाती है. और ये हमने ईडीपस रेक्स में, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ईडीपस रेक्स पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है. तो ईडीपस रेक्स में एक बला होती है जो कि उस इंसान को खा जाती है जो कि उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाता. स्पिंक्स ईडीपस रेक्स में एक ऐसी बला थी जो कि हर इंसान के सामने आती है और उसको वो खा जाती है, कत्ल कर देती है, जो कि उसके एक सवाल का जवाब नहीं देता. और वो ये सवाल था कि वो कौन सी ऐसी ऐसी चीज है जो कि जो दो टांगों पे आई थिंक चलती है, या चार, वो कोई ना एक रिडल पूछती है, एक इंसान से ना एक रिडल पूछती है कि वो ऐसी कौन सी चीज है कि जो जवानी में आई थिंक दो टांगों पे चलती है, और जब बचपन होता है तो चार टांगों पे चलती है. इस तरह से कुछ था, रिडल थी, जिसका जो आंसर था वो ये था कि इंसान, मतलब रिडल कुछ इस तरह से वो पूछती है इंसानों से कि वो ऐसी कौन सी चीज है कि जो दो टांगों पे भी चलती है और चार टांगों पे भी चलती है. तो कोई भी इंसान इसकी जवाब, इसका जवाब नहीं दे पाता, तो वो हर उस बंदे को खा जाती है जो इसका जवाब नहीं देता. और एंड में वो जो हीरो होता है ना सोफोक्लीस का, इडिपस, वो उसको जवाब देता है कि वो जो तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो, तो वो इंसान है जो कि बचपन और बुढ़ापे में चार टांगों पे चलता है, और जब वो जवान होता है तो वो दो टांगों पे चलता है. तो एक्चुअली ये वो उसको मैसेज करता है, वो उसको देता है, तो वो स्पिंक्स जो है वो फौरन से गायब हो जाती है ये सुनते ही. अच्छा, उसके बाद जो है, द मीनिंग ऑफ द प्ले, हैमलेट इज मिस्टीरियस प्ले ऑन अकाउंट ऑफ डी मिस्टीरियस, द वर्ड स्पिंक्स इज कॉमन इन हैमलेट. देर इज नथिंग सिंपल और डायरेक्ट, इट इज नॉट ड्रामा फॉलोड विद परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोफाउंड इमोशन टू मैन्स फील. ठीक है, इंसानी जिंदगी में, एक मिनट बता, तबस्सुम ड्रॉप हो गई है, आई डोंट नो व्हाई. स्क्रीन शो नहीं हो रही, अभी देखें अब हो रही है शो. बेटा अब हो रही है शो, तबस्सुम काइंडली रीज्वाइन कीजिएगा. तबस्सुम आप रीज्वाइन कर चुकी? हाँ जी, रीज्वाइन हो गया. अच्छा जी, फिर वो कहता है कि ऑन अकाउंट ऑफ डीप मिस्ट्री द वर्ड स्पिंक्स इज कॉमन इन हैमलेट्स क्रिटिसिज्म.
तो ये जो वर्ड स्विंग्स है ये कॉमन था हैमलेट क्रिटिसिज्म में. देयर इज नथिंग सिंपल और डायरेक्ट. इट इज नॉट अ ड्रामा फॉलोड विद परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफाउंड इमोशन टू मैन्स फेट. इट इज अ ग्रेट मिस्ट्री एज लाइफ. ठीक है, जैसे स्विंग्स जो है वो भी मिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में एक रिडल पूछती है, एक पहेली पूछती है, इसी तरह ये जो है ये भी एक ग्रेट मिस्ट्री ऑफ मिस्ट्री है एज लाइफ. शेक्सपियर गिव्स नो सोल्यूशन, और इसका शेक्सपियर कोई सोल्यूशन नहीं देता. It is a time of endless perplexity which man stripped on of the hopes and illusions of this life is harassed and oppressed by the immediate sense of his own helplessness and isolation and stands face to face with the destiny and the agony of his mind close to the dimensions of the universe. Different interpretations dekh lete hain. Ab dekhe yahan pe bhi again different interpretations aa rahi hain, goth ki, skeletal ki. Or different uski goat. Here is an oak tree planted in a costly vase which would have received into its bosom only lovely flowers. The roots spread out. The vase is shivered to pieces. Skeletal. It is a tragedy of thought, the ruin that a man brings upon himself when he loses faith and turns doubtful and skeptical. कि इंसान जब फेथ जो है वो लॉस कर देता है, जब इंसान का ईमान चला जाता है तो वो डाउटफुल और स्केप्टिक हो जाता है, शक में मुब्तला हो जाता है. देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो. कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारी सोच उसको अच्छा या बुरा बनाती है. अलरिच ने क्या कहा था, द थीम इज द ओवर रूलिंग जस्टिस ऑफ गॉड. सक्सेसर्स पेड द पेनल्टी टू द इनजस्टिस डन टू फॉर टेन क्रॉस. और एक्चुअली इसमें ओवर रूलिंग जस्टिस ऑफ गॉड था. हमने कल पढ़ा ना कि इसके अंदर शायद जो है वो था ही नहीं, पोएटिक जस्टिस नहीं था. लेकिन अलरिच ने कहा था नहीं, इसके अंदर जस्टिस, पोएटिक जस्टिस था. एक्चुअली थीम जो है ओवर रूलिंग जस्टिस ऑफ गॉड थी, कि सक्सेसर्स जो पहले सक्सेसर्स थे उन्होंने पे की पेनल्टी टू द इनजस्टिस डन टू 40 ब्रास. एक्चुअली हैमलेट जो सीनियर हैमलेट था उसने 40 ब्रास की जो जमीन थी जिस पे इस वक्त हैमलेट जो है जिस पे उन्होंने कब्जा किया हुआ था, एक्चुअली जो इनजस्टिस उन्होंने 40 ब्रास से उनकी सल्तनत छीन के किया था, अब उनको उसकी पेनल्टी देनी पड़ी और वो पूरे का पूरा जो खानदान था वो तबाह हो गया. कॉलरेज, शेक्सपियर वॉन्टेड टू एग्जाम्पलीफाई द मोरल नेसेसिटी ऑफ ड्यू बैलेंस बिटवीन आवर अटेंशन टू आउटवर्ड ऑब्जेक्ट्स एंड आवर मेडिटेशन टू इनवर्ड थॉट. Our due balance between the imaginary and the real world of between action and meditation, between intellectual activity and the real action. Very and night, the theme is fear of death. Hamlet fears nothing but the loss of existence. Hamlet ko jo hai wo kisi si cheez se nahi dar lagta tha but uski apni existence se, the soliloquy yani ki death se usko dar lagta tha. The soliloquy to be or not to be embodied the spirit of the play. Campbell, Hamlet deals with the problem of the men accept sorrow when it comes to them. Hamlet is the study of passion in grief. Spurgeon, it is a mystery, chief tragic mystery of life. It embodies the conditions for which the individual himself is apparently not responsible, destruction of good and evil alike. Chambers ने क्या कहा था, Hamlet is a psychological play in which Shakespeare seeks to penetrate to the emotional springs of pity and awe through an analysis of mental and moral nature of man and to bring into relief at once the splendid potentialities of that nature. The causes rooted in itself whereby a piece of work, how noble in reason, how infinite in faculty or form and moving, how express and admirable in action, how like angel in apprehension, how like a god. वो कहता है यहाँ पे कि ये वो piece of work है, how noble in reason, के एक इंसान कितना noble होता अपनी reasons में, how infinite in faculty, जो उसकी faculty होती है, कुवत होती है, जो उसके अंदर एक faculty होती है, यानी कि अंदर उसके एक फैकल्टी हम कहते हैं ना कि ये इंसान इस मतलब ये फैकल्टी है, यानी कि उसके अंदर ये मतलब उसके अंदर की फैकल्टी. अब मेरा उर्दू में मुझे विनिंग नहीं आ रहा,
कि हमारी मेरी अब जैसे लाइक मेरी जो फैकल्टी है कि मैं मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती हूँ, यानी कि मेरी इनएबिलिटी है, मेरी एबिलिटी है कि वो कितनी इन्फिनिट है, इन फॉर्म एंड मूविंग हाउ एक्सप्रेस एंड एडमिरेबल, और यही इन्फिनिट इन्फिनिट मेरी जो फैकल्टी है, हमारी फैकल्टी है वो कितनी फॉर्म और मूविंग है, कितना हम एक्सप्रेस करते हैं और एडमायरेबल हैं हम इन एक्शन, अपने एक्शन में, हाउ लाइक एन एंजल कि कितने हम एंजल्स की तरह हैं इन एप्रीहेंशन, और किस तरह से हम इन एप्रीहेंशन हैं, हाउ लाइक अ गॉड और अपनी एप्रीहेंशन में हम कितने गॉड की तरह, अपने एक्शंस में हम शायद एंजल्स की तरह हैं और अपनी एप्रीहेंशन में हम, यानी कि अपनी सोच में अपनी एप्रीहेंशन आपको पता ही होगा किसे कहते हैं, एप्रीहेंशन यानी कि हमारी सोच में हम गॉड की तरह, इज फॉर डूम्ड स्टेरिलिटी एंड फेलियर, और यही चीज फॉर डूम करती है स्टेरिलिटी को और फेलियर को. स्पेंसर, द थीम ऑफ हैमलेट इज कॉन्टेम्पोरेरी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन the tradition optimistic view of nature man and the reality of presence of evil in him in difference between is and ought to be there are many other interpretations it was meant to attack some the worst ye kuch interpretations hain ki it was meant to attack some of the worst abuses of the time court intrigues and administrative corruption Kisanry in diplomacy and prevalence of assimilation. It can be interpreted as an allegorical play. Allegorical play किसे कहते हैं? Allegory किसी ऐसी चीज को कहते हैं. Assassination है बेटा, ये prevalence of assassination है. लिख लें अपने notes में. अच्छा, it can be interpreted as an allegorical play. Allegorical play क्या होता है? जिसके कुछ अपेरेंट मीनिंग्स होते हैं लेकिन उसकी तह में भी एक बात होती है, कुछ हिडन मीनिंग्स होते हैं, उसको कहते हैं ये एलेगोरिकल प्ले होता है. जैसे हमने जोनाथन स्विफ्ट के अंदर पढ़ा था, जब हम प्रोज पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा कि वो एलेगोरिकल स्टोरी थी और उसके अंदर हमने देखा कि उसके अपेरेंट और उसके हिडन मीनिंग्स कौन कौन से. शेक्सपियर्स ऑटोबायोग्राफी अ ट्रेजेडी ऑफ डिजायर टू बी परफेक्ट प्रेजेंट एन एथनिकल प्रॉब्लम द डिजायर टू बी बोथ जज एंड executioner it shows how the defect of will produces tragic results ki kis tarah se defect of will jo hai aapki jo will power hai wo kitna produce karti hai tragic results ko some critics in disgust probably have gone to the other extreme they see there is no mystery at all everything is simple and clear hamlet is simply the brave and gallant hero of one of those revenge play of classical and renaissance stages some say that problem of hamlet lies in the faulty and not on account of anything mysterious or profound about it Eliot condemns it as an artistic failure shakespeare struggles to reduce to order a whole group of disturbing impressions still the fact remains that hamlet is the greatest play a mystery as a profound as life itself the mystery of insoluble In fact, enhances its charm. Ulrich rightly concludes, Hamlet is a work of art which offers the greatest scope to the imagination of the reader on account of its uncertainty, like a moonlight romantic landscape traversed by bright rocky peaks and dark ravines, which in the center is a deep valley partially illuminated by the rays of light. Points to remember hai, Hamlet is a play which possess many problems. Different interpretations of the play are offered by Goethe, Scaliger, Ulrich, Coleridge, Very and Knight, Campbell, Spurgeon, Chambers, Spencer and many others. That is your second question which is completed now, Alhamdulillah. Haan ji janab, ab kisi ka koi question.